आज मैं बना रही हूँ साबूदाना वड़ा जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप साबूदाना और उसको पानी से धो के 2 कप पानी में ओवरनाइट भिगो के रखा है। आप चाहे तो आप 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। वड़ा बनाने के लिए मैंने इसमें डाला 2 उबले हुए आलू, थोड़ी सी कोर्स ग्राइंड किया हुआ मूंगफली, 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक काट के, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी करी पत्ता बारीक काट के और आधा नींबू निचोड़ दिया। वड़ा को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने उसमें डाला 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर और पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिला लिया। अभी दोनों हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेके उसको वड़े का शेप दे दिया। अभी वड़े को ऑयल में अच्छे से दोनों साइड से डीप फ्राई कर दिया और प्लेट में निकाल के टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व कर दिया। आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेडी हो गया साबूदाना वड़ा, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए।